मॉर्निंग बच्चों, कल हमने एक कविता पढ़ा था जिसका नाम था जागो मेरे चंदा। तो कल हमने उस कविता को पढ़ा और उसके अर्थ को भी जाना। आज हम उस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे और कुछ अभ्यास भी करेंगे जो आपके बुक में दिए हुए हैं। तो आप सभी अपने अपने बुक में पेज नंबर 25 खोल लीजिए, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है और कुछ अभ्यास है। तो सबसे पहले हम प्रश्न और उत्तर से करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि सवेरा होने पर क्या होता है, तो आप कहोगे सवेरा होने पर सारी दुनिया जाग जाती है। अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि सवेरा होने के साथ आकाश में क्या दिखाई देता है, तो आप कहोगे सूरज। फिर अगर मैं पूछूं कि फूलों और कलियों में सवेरा होने पर क्या परिवर्तन दिखाई देता है, यानी फूल और कलियां किस प्रकार से बदल जाती हैं, तो आप कहोगे कि सवेरा होने पर जब फूल खिल जाते हैं तो उसमें प्यारी प्यारी गंध आ जाती है और कलियां धीरे धीरे अपनी पंखुड़ियों को खोलने लगती हैं, यानी कलियां भी धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपनी आँखें खोलने लगती हैं। फिर मैं क्वेश्चन करूं कि कविता में किस चीज़ को त्यागने के लिए कहा गया है, यानी कि छोड़ने के लिए कहा गया है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे आलस, यानी कविता में आलस को त्यागने के लिए कहा गया है। अगला क्वेश्चन अगर मैं करूं कि सुबह होने पर उपवन कैसा लगता है या कैसा दिखाई देता है, तो आप कहोगे सुबह होने पर उपवन फूलों की सुगंध से भर जाती है, यानी उपवन में चारों ओर फूल खिल जाते हैं, तो फूलों के खिलने पर उपवन जो है फूलों की सुगंध से भर जाती है। और अंत में मैं अगर आपसे पूछूं कि इस कविता के कवि कौन है, तो आप कहोगे इस कविता के कवि हरिश्चंद्र हैं। मैंने इस सभी क्वेश्चन आंसर को कॉपी में भी लिखा है, तो चलो आप भी मेरे साथ एक बार कॉपी में देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में है, सवेरा होने के साथ आकाश में क्या दिखाई देता है? आंसर होगा सवेरा होने के साथ आकाश में सूर्य दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 2 में, सवेरा होने पर क्या होता है? तो आंसर होगा सवेरा होने पर सारी दुनिया जाग जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 में, फूलों और कलियों में किस प्रकार के परिवर्तन सुबह होने पर दिखाई देते हैं, तो आप कहोगे सवेरा होने पर फूलों में प्यारी गंध आ जाती है और कलियां मुस्काने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, कविता में क्या त्यागने को कहा गया है? तो आंसर में होगा कविता में आलस को त्यागने कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, सुबह होने पर उपवन कैसा लगता है? आंसर होगा सुबह होने पर उपवन फूलों की सुगंध से भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, जागो मेरे चंदा कविता के कवि का नाम लिखें। आंसर होगा जागो मेरे चंदा कविता के कवि का नाम हरिश्चंद्र है। आप यहाँ हरिश्चंद्र की स्पेलिंग पर ध्यान देना। मैंने यहाँ कुछ वाक्य भी बनाए हैं, आकाश, आलस, शीतल, फूल और बगीचा से मैंने 5 वाक्य बनाए हैं। हर शब्दों से मैंने एक एक वाक्य बना दिया है और एक आपको बनाना है। जैसे आकाश, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। आलस,
आलस मनुष्य का शत्रु है, यानी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो दूसरा वाक्य यहाँ आप बनाएंगे, शीतल यानी ठंडी। तो गर्मी में शीतल जल पीना अच्छा लगता है। दूसरा वाक्य यहाँ आप बनाएंगे, आगे का है वर्ड फूल। सुबह होते ही फूल खिल गए। अब यहाँ आप एक वाक्य बनाएंगे और अंत में बगीचा। तो बगीचा से एक वाक्य मैंने बनाया है, मेरे घर के सामने एक बगीचा है। और यहाँ दूसरा वाक्य आप बनाएंगे। आपके बुक में कुछ अभ्यास भी दिए हुए हैं, पेज नंबर 25 में। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जिसमें लिखा हुआ है ठीक उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पहला क्वेश्चन है, तारों की सब सेना भागी का अर्थ है तारों की फौज डरकर भाग गई या सवेरे सब तारे छिप गए। तो इन दोनों में से सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा सवेरे सब तारे छिप गए। दूसरे क्वेश्चन में है, सूरज के जलते बाण का उचित अर्थ क्या है? सूरज की गर्म किरणें या सूरज के जले हुए तीर। दोनों क्वेश्चन में से सही आंसर कौन सा है? दोनों क्वेश्चन में सही आंसर है सूरज की गर्म किरणें। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में कविता की पंक्तियाँ पूरी करने के लिए दिया गया है, ये आप करेंगे। आप खुद से यहाँ आपके बुक में कविता दी हुई है, आप इसमें से सही लाइनों को चुनकर लिखेंगे। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 में मिलान कीजिए यानी मैच कीजिए। तो आप भी मेरे साथ करो, कलियों की मुस्कान, कलियों की मुस्कान उसका क्या होगा मैच? जगी, कलियों की मुस्कान जगी। मुर्गा कुकड़ू कूं, कबूतर गुटरू गूं और आलस त्यागो। तो आपने मेरे साथ कुछ अभ्यास भी किए, आप सभी अपने बुक में इस अभ्यास को कर लेंगे और आंसर को याद करके अपने कॉपी में लिखेंगे। तथा मैंने जो वाक्य बनाने के लिए आपको दिया है, सभी शब्दों से एक एक वाक्य बना लेंगे। आज के लिए इतना ही।